हेलो स्टूडेंट्स यस्टरडे वी हैव सीन द टीज वी बाय आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज जो चाय हम खरीदते हैं उसके तीन प्रकार हम निकल देखे एक था आसाम टाइप ऑफ टी विच हैज़ लार्जेस्ट लीव्स दूसरा था चाइना टाइप इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स और थर्ड टाइप था इंटरमीडिएट साइज के लीव्स का कंबोट टाइप ऑफ टी के कंबोट टी देन वी हैव टू लर्न अबाउट द टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया देयर आर थ्री वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया अलग अलग और अपनी विशेषता रखने वाले तीन जगह है भारत में जहाँ पर चाय उगाई जाती है तो इसमें तीनों रीजन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं ईच ऑफ दिज रीजन्स इज़ फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इट प्रोड्यूस विच आर यूनिक इन टेस्ट एरोमा स्ट्रेंथ एंड फ्लेवर एवरी रीजन विच ग्रोज टी इट हैज इट्स ओन टेस्ट एरोमा मतलब खुशबू और स्ट्रेंथ एंड फ्लेवर मीन्स उसका अपना एक कड़क ऐसा स्वाद द थ्री रीजन्स आर तो ये रीजन्स कौन से है दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सेकेंड इज आसाम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया ईशान्य भारत में आसम एंड नीलगिरीज इन in साउथ इंडिया दक्षिण भारत में नीलगिरीज माउंटेन पर भी चाय उगाई जाती है मोस्ट पीपल एग्री दैट टी इज़ ए रिफ्रेशिंग ड्रिंक सबको पता है कि दैट टी रिफ्रेशर्स टी स्टिमुलेटस इट कंटेंट्स नो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन अब इस चाय के कंटेंट्स क्या होते हैं चाय के अंदर क्या होता है तो इसमें न तो कार्बोहाइड्रेट होता है न फैट होता है और ना ही प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं फिर चाय में क्या होता है वॉट गिव्स टी इट्स स्पेशल एंड डिस्टिंगटिव फ्लेवर चाय का अपना अलग सा स्वाद और विशेषता क्या होती है तो चाय में होती है थेनाइन और एंड कैफीन। इट मीन्स इट कंटेंट्स थेनाइन एंड कैफीन। थेनाइन और कैफीन नामक तत्व चाय में होते हैं इस वजह से ये थेनाइन और कैफीन जो है वह स्टिम्युलेट करता है हमारी बॉडी को एज इट हैज स्टिम्युलेटिंग क्वालिटी हमें उत्तेजित करता है और रिफ्रेश करता है देन हम लोगों को ये अब पता करना है कि सबसे पहले चाय पीने की शुरुआत कब और कहाँ हुई हाउ एंड वेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी तो इसके बारे में अम्यूजिंग स्टोरी है एक मनोरंजक कथा सबसे पहले बताई गई है जो कि एक चाइनीज लेजेंड है ऐसा कहा जाता है कि देर वॉज़ एम्परर शेनोंग हु द फादर ऑफ़ चाइनीज़ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन जो चाइनीज एग्रीकल्चर और मेडिसिन के जनक थे एम्परर शेनोंग ही वॉज ऑन हिस ट्रेवल तो वो कहीं जा रहे थे वेन अ सर्वेंट वॉज बॉइलिंग सम वाटर फॉर द एम्पर टू ड्रिंक उनका नौकर उनके पीने के लिए पानी बॉयल कर रहा था जस्ट देन उसी वक्त क्या हुआ कि अ फ्यू लीव्स फ्रॉम अ नियर बाय ट्री ब्लू इन टू द बॉइलिंग वॉटर आस पास के किसी पेड़ से कुछ पत्ते उड़ कर उस उबलते हुए पानी में गिर गए द वॉटर इमिडिएटली चेंज्ड कलर तुरंत उस पानी का कलर बदल गया ऑन ड्रिंकिंग द वॉटर द एम्परर वॉज अमेज बाय द रिच फ्लेवर एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग इन्फ्यूजन वह पानी उबल कर जो इन्फ्यूजन यानी जो पेय बना उसका स्वाद एम्परर को बहुत ही अमेजिंग लगा और इट हैड रिच फ्लेवर एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी बहुत ही तरोताज़ा महसूस किया उन्होंने इतने उत्तेजित हो गए वह एक्साइटेड बाय द अननोन प्लांट आज तक उन्हें इस प्लांट के बारे में कुछ भी पता नहीं था अनोन यानी अनजाना तो ऐसा प्लांट कौन सा है और इस ये अमेजिंग फ्लेवर कहाँ से आया इस बारे में एम्परर शनोंग को बहुत एक्साइटमेंट थी सो ही कैरिड आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन और आगे उन्होंने उसमें खोजबीन की एंड डिस्कवर्ड दैट टी हैड मेनी हीलिंग एंड रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज़ फिर उन्हें उन्होंने ये पता लगाया कि चाय के अंदर हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए और औषधि गुणधर्म वाली यह औष वन औषधि है एंड ही अल्सो फाउंड दैट टी कुड बी यूज एज एन एंटीडोट टू सर्टेन पॉइजन अलग अलग कभी हमारे बॉडी में कोई पॉइजन चला जाए तो एक एंटीडोट यानी कि उस पॉइजन पर दवाई का काम जो है चाय कर सकती है ये भी उन्होंने उन्होंने खोज निकाला ये हो गई एक कहानी उसके बाद हम देखेंगे सेकंड लेजेंड तो सेकंड लेजेंड यह भी चाइना से ही है यहाँ ये बताया जाता है कि देर वॉज़ अ बुद्धिस्ट monk एक बौद्ध धर्म के धर्मगुरु थे बोधि धर्मा हु वॉज़ द फर्स्ट यूज टी एज अ ड्रिंक ये थे कि जिन्होंने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया क्यों पी उन्होंने चाय तो उन्हें एक ऐसे हर्ब की यानी कि वन औषधि की, की ज़रूरत थी जो कि या तो मेडिसिनल प्लांट हो और जिस वजह से ही कुड स्टे अवे एंड अलर्ट तो वह जागरूत रहना चाहते थे अलर्ट रहना चाहते थे किस चीज़ के लिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन तो ये जो बौद्ध धर्मगुरु थे उनका प्रेयर और मेडिटेशन में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया जा सके इसलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा नींद न आना और सचेतन रहना ऐसा कोई दवाई वह ढूंढ रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया कंसिडरेबल सर्च के बाद और ट्रायल्स के बाद अलग अलग वन औषधियों का ट्रायल लेने के बाद ही फाउंड दैट चूइंग लीव्स फ्रॉम द टी शर्ब एक्टेड एज अ स्टिमुलेंट। उन्होंने ये पता लगाया कि अगर हम चाय के जो पत्ते होते हैं उन्हें अगर मुंह में चबाते हैं तो हमारी बॉडी को उत्तेजना मिलती है इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट एंड इट हेल्प्ड हिम टू स्टे अवेक और फिर यह चाय की पत्तियां चबाने से उन्हें नींद नहीं आती थी उन्होंने ही उनके डिसिपल्स में यानी उनके शिष्य जो थे बौद्ध धर्म की जो दीक्षा या शिक्षा ले रहे थे चाइना में उन्होंने उनके डिसिपल्स को भी यह टी इंट्रोड्यूस कराई और इट इज सेड दैट द जपनीज प्रेस स्टेइंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर्स इन चाइना कैरियड टी सीड्स एंड लीव्स बैक होम विद देम अब चाइना में तो चाय पीने ही लगे थे लोग लेकिन जो कोई प्रिस्ट जो थे जो कोई धर्मगुरु जो थे वह जहाँ से जापान से आए थे उन्होंने भी क्या किया अपने साथ यह चाय के पौधों के बीज और पत्ते वापस जाते हुए जापान में ले गए टर्किश ट्रेडर्स अल्सो बिगैन टू बार्गेन फॉर टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया मंगोलिया देश की सीमाओं पर जो तुर्की व्यापारी थे उन्होंने चाय का व्यापार शुरू किया इन फैक्ट द स्टोरी गोज दैट द चाइनीज एम्पायर हुई सुंग वॉज सो टेकन अप विद द टी दैट ही वॉज ही सेटअप अ रिसर्च इन टू द बेस्ट टी विस्किंग मेथड्स एंड अल्सो होस्टेड टी मेकिंग एंड टी टेस्टिंग टूर्नामेंट्स इन द कोर्ट अब ये यह यहाँ पर एक राजा बताया है एम्पर हुई सोम। वह इतना चाय का दीवाना था कि वह चाय में अलग अलग बेस्ट टी विस्किंग मेथड्स चाय अलग अलग पीने के तरीके इस पर वह रिसर्च करता था और उन्होंने बहुत सारे टी मेकिंग और टी टेस्टिंग टूर्नामेंट्स एंड स्पर्धाओं का आयोजन किया उनके राजदरबार में चाय बनाने की और चाय के अलग अलग टेस्ट की टूर्नामेंट्स होती थी सो टी माइंडेड ही वॉज चाय के पीछे वह इतने दीवाने थे कि ही फेल्ड टू नोटिस दैट मंगोलिया हैड एक्चुअली टेकन ओवर हिज एम्पायर उन्हें ये भी नहीं पता चला कि वह अपने चाय के कार्यक्रम में इतने बिजी रहते थे कि मंगोलिया ने उनके देश पर आक्रमण किया और उनका राज्य अपने पास ले लिया यह मंगोलिया देश ने चाइना को या इस हुइसुंग के रीजन को अपना गुलाम बना लिया यहाँ तक वह चाय में बिजी रहते थे ओके अब इसके आगे की कहानी हम कल के वीडियो में देखेंगे अब तब तक आपने यह अच्छे से पढ़ना है इसे समझ कर लेना है और इसके शब्दार्थ लिख कर निकालना है